हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के अवसर पर सोमवार को पंचकुला सेक्टर 1 स्थित PWD ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे। हरियाणा राज्य को पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भ्रष्टाचार विरोधी साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा भ्रष्टाचार विरोधी एंटी करप्शन की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष, पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा विजिलेंस महानिदेशक KP सिंह व हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव भी मौजूद रहे। किस तरह से प्रदेश के लोग उस नंबर पर शिकायत कर सकेंगे और क्या उसके लिए आप वजह रही शुरू कर दीजिए? जैसा आज एंटी करप्शन डे सारी दुनिया में मनाया जा रहा है और ये बड़ी एक दुखद घटनाक्रम है कि दुनिया सारी जूझ रही है करप्शन में। बाल मैडम ने दे दी लाला, फिर वो कुछ बड़े मुंह में दे दी नेताओं के करप्शन है, सरकारों के करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी के करप्शन है, कर्मचारी तो मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ, पता नहीं आपको करप्शन है। करप्शन विहीन कैसे सिस्टम बनाया जाए, इसके लिए लगातार हम पिछले 5 वर्ष से भी काम कर रहे हैं। आज उसमें कुछ नए प्रावधान किए हैं हमने, उसमें एक व्हाट्सएप नंबर, एक कॉल फ्री नंबर, एक वेबसाइट का नंबर, एक ट्विटर पर डायरेक्ट मैसेज, इसका एक प्रावधान, ये सब किए हैं। अभी आपको पैसा मिलेगा, सारी जानकारी मिलेगी। कुल मिलाकर दंडात्मक कार्रवाई से भ्रष्टाचार रोकना ये कानूनी एक उसका एक पहलू है, लेकिन लोग अपने आप इंस्पायर होकर करप्शन से जोड़ रहे हैं, इसका एक प्रावधान आज कर रहे हैं। लोग अपने मन से विचार करें कि रही है और इसमें बहुत सफल नहीं हो पाए 5 साल में, लेकिन अगर और भी इसके ऊपर काबू पाना जरूरी है, लोगों को तैयार किया है। और आज इस प्रकार से पूरा एक वातावरण था बुरोक्रेसी के रूप में, सबका मन ये दिख रहा था कि इस बात से सहमत है और अर्थ प्रकाश के लिए पंचकुला से अक्षय जाधव की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।